ओके okay, तो डीसी फैंस आप सबका क्या हाल चाल है तो आप कभी डैन से खुश नहीं होंगे क्योंकि बैड न्यूज सुनाई दे रही है हर कोई गंदी गंदी खबर दे रहा है कंपनी तो पता नहीं क्या भांग खा के बैठा हुआ है बट फाइनली फी टाइम से ऐसी लग रहा था कि वन अवर्स पता नहीं क्या सोच रहे पर आज की जो प्लानिंग में आपको बताने वाला हूं उनके फ्यूचर की वो आपको हिला डालेगी तो वीडियो को पूरा देखिएगा बहुत ही कमाल का अपडेट है और आपको मैं आज खुश करने वाला हूं इस वीडियो में तो सबसे पहले दो दिन पहले एक न्यूज आई थी कि गर्ल ऑफिशियली कैंसिल हो चुकी है उसकी स्कोरिंग अच्छी नहीं थी टेस्टिंग अच्छी नहीं थी ऑडियंस बिल्कुल भी खुश नहीं थी उसकी स्टोरी से इसका भी बहुत बड़ा रीजन होगा पर पता नहीं तब क्या सोचा तो उन्होंने कैंसिल कर दिया बट आज की इस वीडियो में हम अच्छी डिटेल के बारे में बात करेंगे तो फाइनली सबसे पहले बात करते हैं गर्ल से अगर कल

जो गर्ल की ऑफिशियली स्टार कार्ड्स है और जो राइटर्स हैं डायरेक्टर हैं उनकी दोबारा से मीटिंग हो रही है न्यू डील हो रही है और वो आने वाले टाइम में गर्ल को लेकर कोई अच्छा सा फ्यूचर भविष्य सोचेंगे मतलब यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि भाई आने वाले टाइम में गर्ल को लेकर अच्छा प्लान सोच रखा है और जो मूवी बनाई थी उसको कैंसिल कर दिया पर उस मूवी में नब्बे मिलियन लगा दिए और वो बीस मिलियन और मांग रही थी मूवी ऐसा सुनने में आया था तो शायद होप कि इस मूवी की स्क्रिप्ट को थोड़ा चेंज करा जाए करा जाए और इस मूवी को थिएटर में रिलीज करा जाए और ये भी डीसीयू का पार्ट हो बहुत बड़े लेवल पे आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अभी तो फिलहाल यही अपडेट है बैटगल से रिलेटिव अब उसके बाद आज के अपडेट के बारे में बात करते हैं तो फाइनली ग्रीन लेंटर जो सीरीज थी वो कैंसिल हो चुकी है उसको बड़े स्केल पर रिलीज करा जाएगा लाइक मूवी ठीक है और आने वाले टाइम में वन ऑवर्ड्स कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि जो वंडर ट्विन्स के ऊपर मूवी बनने वाली थी सीरीज बनने वाली थी वो भी कैंसिल हो कर दी गई है और उसी के साथ जो अपकमिंग दो मूवीज थी जिसमें कि शिजैम और एक्वेंट टू उन मूवी की रिलीजिंग डेट को चेंज करा जा सकता है क्योंकि वन ऑवर्ड्स चाहता है कि अगर मूवी इतने अच्छे लेवल की है उनके हिसाब से बड़े टाइटल्स की है तो उनका कॉम्पिटिशन टक्कर का नहीं हो क्योंकि मूवी को ऐसे टाइम पे रिलीज करा जाए जहां से मूवी अच्छी हो फिर भी कमा नहीं पाए तो आप समझ रहे होंगे कि सजैम और अबतार का भाई कंपटीशन होने वाला था बॉक्स ऑफिस पर तो उन्होंने शिफ्ट करने का ऐसा सोच रहे हैं अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है और जो भी होगा अपडेट आपको बता दूंगा अब बात करें आने वाले टाइम में तो भाई वॉन्डर अवार्ड्स ने डिस्कवरी के साथ मर्ज कर लिया ये तो आप सबको पता ही होगा पर उनका जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो एक बन चुका है जैसे कि डिजनी प्लस हॉट एक हो चुका है ऐसी वार्डर अवार्ड्स ने भी अपना कंबाइन कर लिया दोनों को और सबसे बड़ी बात जब यह अनाउंसमेंट करी गई थी तो वॉन्डर

सकता है आने वाली टाइम में जस्टिलिंग मूवी मैन ऑफ स्टील टू मैन ऑफ स्टील थ्री और बात करें बैटमैन की तो भाई बैटमैन टू थ्री बैटमैन का पार्ट वन बेनाल फ्लिक या फिर रॉबर्ट पैट्रिसन की अपकमिंग जो मूवी आ रही है वन डू मूवमेंट का पार्ट थ्री आने वाले टाइम में जस्टिस लीग मूवी तो ये तीन फ्रेंच हैं जो कि डीसी इस पर फोकस करेगा और उसी के साथ सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज है इस वीडियो में कि भाई डीसी ने कन्फर्म कर दिया ऑफिशियली कि वो आने वाले टाइम में दस साल तक का प्लानिंग करने की सोच रहा है या प्लानिंग कर भी चुका है अब वो सारी अनाउंसमेंट शायद हो सकती है अपकमिंग जो टाइटल्स होंगे वो होंगे शायद डीसी फेंडा में जो कि अक्टूबर में होने वाला है और इससे पहले सितंबर में होगा डिजनी प्लस सितंबर के बाद होगा डीसी फैंडम तो यार मैं लिटरली मुझे लग रहा है कि शायद अवॉर्ड ने जो भी फैसला लिया वो बहुत ही ज्यादा कमाल का लिया है कि उन्होंने कुछ पुराने बेकार प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया वंडर टूइंस ग्रीन एंडर टीवी सीरीज या गर्ल क्या पता गर्ल आ भी सकती है मैं अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूं और उन्होंने अच्छी मूवी बनाने का फैसला करा है वो भी 10 साल तक यानी कि वो भी मार्वल की तरह टेंशन फ्री रहना चाहते हैं बट आपको एक चीज़ बता दूं कि मार्वल का भी हाल ही में एक अपडेट आया है कि जब से उन्होंने एवेंजर सीक्रेट वॉर और कैंग डाइनेस्टी को अनाउंस करा है तो उनको बहुत हैडेक होने लग गया इस चीज़ के लिए स्टोरी को डेवलप करने के लिए कैरेक्टर की जो ऑल्टरनेट सीरीज़ आ रही है ऑफ सीरीज़ आ रही है उनको डेवलप करने के लिए तो उनको बहुत ज़्यादा हैडक हो रहा है इस चीज़ का अब उन्होंने अनाउंस तो कर दिया तो भाई प्रेशर तो हो गई और ऐसी मुझे लग रहा है कि डी भी इस चीज को देखते हुए उन्होंने दस साल का प्लानिंग करने का सोच रहे तो कहीं उनको हैडेक नहीं हो जाए और प्रोजेक्ट अनाउंस करें फिर से कैंसिल कर दें हाल फिलहाल आज की तो खुशखबरी है कि भाई दस साल तक डीसी ने प्लान कर रखा है और आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है और अक्टूबर तक का वेट करिए डी फैंडम में कमाल के टाइटल्स आने वाले हैं होप मैन ऑफ स्टिल टू जैक जस्टिस लीग ग्रिल एंट्र मूवी साई बॉक फ्लैश का पार्ट टू बहुत कुछ आने वाला है माइकल गिटन की पता अलग से मूवी या बैन ऑफिक की अलग से मूवी बना दें ये तो

hello